हॉवरबोर्ड्स एक ऐसी चीज है जो साइंस फिक्शन फिल्मों में बहुत देखने को मिलती है, लेकिन रियलिटी में हॉवरबोर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप गूगल पे हॉवरबोर्ड सर्च करोगे तो आपको सर्च रिजल्ट्स में ये दो पहियों पे चलने वाले बोर्ड्स दिखेंगे जो सड़क पर लिटरली दो पहियों पे चल रहे होते हैं, जो साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाया जाता है कि लेविटेट करते हुए स्केटबोर्ड जैसे बोर्ड्स जो ऑलमोस्ट मैग्नेटिक तरीके से ऊपर हवा में फ्लोट कर रहे हैं, वैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन पिछले 3-4 सालों में एक ऐसी चीज इन्वेंट हुई है जो हॉवरबोर्ड्स के काफी करीब आ जाती है। रियलिटी में फ्लोट तो नहीं कर सकती वो चीज, लेकिन काफी काफी करीब आ जाती है। इसका नाम है ई फॉइलिंग। लेकिन इसके बारे में और बात करने से पहले, तो आज हमारा सेकंड लास्ट डे है दुबई में, कल हमारी फ्लाइट है और ये शायद आखिरी एक्टिविटी है जो हम करने जा रहे हैं दुबई में। इसका नाम है हीरो बोट टूर। अपनी खुद से बोट चलाएंगे, अपनी बोट में बैठेंगे और ये वाली अनलाइक दी एम्स्टरडेम बोट काफी तेज जा सकती है। एम्स्टरडेम में वो सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर उसकी मैक्सिमम स्पीड थी, इसकी मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। तो ये हमारे बोट टूर का नक्शा है, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फेरिस व्हील के पास से गुजरेंगे और फिर एटलांटिस पे पास होते हुए बुर्ज अल अरब होटल तक और फिर वापस ऐसे आएंगे। ये लोगो आइलैंड्स एक्चुअली कहते हैं प्राइवेट आइलैंड्स हैं जो फर्स्ट रूलर की वाइफ ओन करती है। आउटसाइड देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ वेसल्स लाइक बोट्स, यॉट्स, स्पीड बोट्स एंड अ ग्रुप ऑफ जेट स्कीज। व्हेन दे पास दे ऑलवेज क्रिएट दिस बिग रोलिंग वेव। सो इफ यू सी वन बिग वेव लाइक बिग और ह्यूज वेव, जस्ट रिमेंबर टू स्लो डाउन, लेट द वेव पास, देन वी कंटिन्यू टू स्पीड अप। सो देयर इज अ बटन अंडरनीथ. You have to push the button underneath first, nice and slowly up. Boat goes slowly forward. You want to increase the speed all the way maximum. Boat goes faster. If you want to slow down or you wish to slow down, back to parking, nice and slowly down. Back to parking as well. So there is a sticker. So we removed the sticker already. But क्या गुंडा बनेगा रे तू? There will be a sticker in front of you guys to show you or indicate you forward, parking or reverse. So when you're in the parking position, now that's stop already. तो ये रही बोट्स। एक्चुअली मैं थोड़ी बड़ी एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन ये तो काफी छोटी बोट्स हैं। इन्होंने कहा हम गीले भी हो सकते हैं और हम सही से ड्रेस होकर नहीं आए हैं, फिर तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में आना चाहिए था। अभी तो जूते और जीन्स पहन रखे हैं, लगता है जूते निकालने पड़ेंगे। वी आर थिंकिंग इफ वी कैन टेक ऑफ आवर शूज देन। यस सर। या कैप्टन ब्लेज राइट हियर विल असिस्ट यू। ओके, हू इज गोना बी द ड्राइवर? आई विल बी द ड्राइवर फर्स्ट। या वेयर इज द येलो बैग? In I'm here? Nervous. Oh, okay, great. Should I come? Yeah. Okay. And then I will do the ignition. One more. Good. It's not that loud. Nope. Unlike other boards. Is it electric? No, can't be. Nope. Really hope the phone doesn't fall out. Ye hamara guide hai. और ये है कैप्टन, हमारे बोट का कैप्टन। कैप्टन सेज वी शुड फॉलो हिम। होल्ड ऑन। ओह, सो प्लेजेंट एक्चुअली। या जस्ट डोंट डू एनी मैनूवर्स और समथिंग। बहुत बम्पी है एंड वी ऑलरेडी गॉट वेट। आई एम ऑल वेट ऑलरेडी। इट्स द ड्राइवर्स फॉल्ट, इट्स द कैप्टन्स फॉल्ट। आवर गाइड इज सो फार अहेड, बट इट्स ओके दो, वी नीड टू कैच अप। बट नो, वी डोंट नीड टू कैच अप। ही कैन, नो ही कैन स्लो डाउन आल्सो। आई डोंट वांट टू गेट वेट अगेन। दैट्स द स्काईडाइविंग प्लेन, वी डिड इट ऑलरेडी। ये दुनिया का लार्जेस्ट फेरिस व्हील है यहाँ पर। ओके, टाइम नहीं है अभी, आगे चलना पड़ेगा। फोन को रख रहा हूँ, मुझे डर रहता है फोन कभी भी गिर सकता है। या वी वर वंडरिंग व्हेन वी स्टेड देयर हाउ मेनी पीपल आर ऑलवेज देयर। या हाउ मेनी टाइम्स यू विजिटेड ऑन इट? दे हैव 1535 रूम्स। वाओ, बिगेस्ट एक्वा पार्क। Yeah, and the biggest water park. Also, right in the right side. Yeah. Including the presidential suite, right in the middle of the top as well. Yeah. हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब हमारे पीछे है बुर्ज अल अरब होटल, जो
जिसे 7-star होटल बताया जाता है, पर वहाँ है पीछे, कहाँ है वो, एक याच भी चल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, चलते चलते हमने एक टाइम पे टर्टल भी देखा था पानी में, बिल्कुल साइड से गुजरा था, मुझे डर था कहीं उसके ऊपर से ना निकल जाए हम, लेकिन नहीं गुजरे। मैं कैमरा को तभी बाहर निकाल रहा हूँ जब हम बीच में ब्रेक के लिए रुकते हैं, नहीं तो हमेशा डर ये रहता है कि पानी में ना गिर जाए। बहुत सारी फुटेज है इसमें अभी, इस फोन में, किसी भी हालत में इसे लूज नहीं करना है। तो फिर से जा रहा है डिक्की के अंदर। आज आखिरी दिन, सुबह सुबह मैंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बुक कराई है अपने लिए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फॉयल। ये सिर्फ मैं अकेला ही कर रहा हूँ क्योंकि यूली को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन वाटर स्पोर्ट्स में, मुझे ही ज़्यादा मज़ा आता है करते वक्त। तो ये एक तरह की का सर्फ बोर्ड है, इसके नीचे इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिसिटी से आगे बढ़ता है और बैलेंस करना होता है इस पर। क्या ज़बरदस्त स्काई लाइन दिख रही है सुबह सुबह। ई फॉइलिंग एक नए तरीके का वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें आप एक सर्फबोर्ड टाइप के बोर्ड पर पानी के ऊपर चल रहे हो और उसके नीचे मोटर लगी हुई है, तो आपके हाथ में उस मोटर का कंट्रोल है, मोटर से वो बोर्ड आगे बढ़ता है। और इंटरेस्टिंग चीज, जो बोर्ड के नीचे मोटर लगी है उसके साथ में दो विंग्स भी लगे हुए हैं, जैसे एरोप्लेन पे विंग्स लगे होते हैं, और सेम तरीके से जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ता है अपने विंग्स के जरिए, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ई फॉइलिंग में भी। आपके सर्फ बोर्ड के नीचे जो मोटर लगी हुई है जिससे वो आगे दौड़ रहा है सर्फ बोर्ड, उन विंग्स की मदद से वो सर्फ बोर्ड हवा में उड़ने लग जाता है, लेविटेट करने लग जाता है। और यही चीज मैंने अभी ट्राई करी कुछ दिन पहले। Back up onto the board. That was his dream to try this. Can you show us how it's done? How was it? It was great. It's like a hoverboard, literally. It sticks so much out of the water. Yeah, it's the most realistic thing that comes as close to a hoverboard as possible, because when it goes up like that, it feels like you're flying in the air. It feels like you're not in contact with water at all. It feels like you're literally, it's some futuristic technology which is like magnetic or something. Can you try standing up? There's a mic here attached. Oh. I was communicating through the mic. What is he doing now? He's showing how it's done. He's the instructor. But is this just to show you? Yeah, just... But you're not even looking. But isn't your hour almost over? It's done. I'm done now. Yeah, exactly. कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके बारे में, कि एक तो ये है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, एक घंटे के अंदर मैं पूरा इसे यूज करना सीख गया इस ई फॉइलिंग बोर्ड को। और दूसरा, जो हवा में उड़ने की फीलिंग आती है, लिटरली ऐसा लगता है हवा में उड़ने लग रहे हो, क्योंकि बस पानी से जो कनेक्शन है वो छोटे से उस स्ट्रिप से हो रहा है। मुझे बहुत पसंद आया है, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पर नहीं मिल पाया मुझे, बहुत ही बहुत ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। अगर आप ये नाम सोच रहे हो ई फॉइलिंग नाम कहां से आया है, तो ये शब्द एक्चुअली में फॉइलिंग से आया है, और फॉइलिंग जो टेक्नोलॉजी है वो काफी पुरानी है, वो लोगों ने पहले ही डिस्कवर कर ली थी। आज से 100 साल पहले भी कुछ बोट्स में फॉइलिंग का इस्तेमाल किया जाता था, बोट्स अपने नीचे ये विंग्स लगा लेती थी जिसकी वजह से बोट्स ऊपर उठ जाती थी। काफी फायदा होता था बोट्स के लिए क्योंकि वेव से बचकर कम फ्रिक्शन है तो और ज्यादा स्पीड से दौड़ सकती है वो। फिर किसी ने सोचा कि इसे हम सर्फ बोर्ड पे क्यों ना इस्तेमाल कर रहे, तो किसी ने एक सर्फ बोर्ड के नीचे विंग्स लगा दिए, वो नॉर्मल फॉइलिंग कहलाई जाने लगी। कि आप ऊपर नीचे करके इस वीडियो को देखिए, कैसे ऊपर नीचे करके फॉइलिंग करी जा रही है, आगे बढ़ने की कोशिश करी जा रही है, और फिर ये सर्फ बोर्ड टाइप का बोर्ड फ्लोट करने लग जाता है। अब रिसेंटली फिर किसी ने सोचा क्यों ना इस पे मोटर लगा दी जाए, तो 2018 में शायद पहले ई फॉइलिंग बोर्ड का इन्वेंशन हुआ जो पब्लिक रिलीज हुआ। अगर अभी रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ने भी इसे चलाया था जब ये और पॉपुलर बन गई है ई फॉइलिंग।